ओम शांति। 19 अप्रैल 2023 की प्यारे मीठे बाबा की साकार मधुर मुरली। टाइटल है, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुप तू करो। योग बल से विकर्माजीत बनो। जितना योग का बल होगा उतना ही पुराना हिसाब किताब भी चुप तू होगा और आगे का जमा भी होगा। प्रश्न, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमोप्रधान है। ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता है, इसको ही नींद कहा जाता है। कितनी अच्छी नेचर ने, प्रकृति ने सिस्टम बनाई है ना रिचार्ज करने के लिए। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, ये तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगे। तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी का है तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए ना, परंतु ऐसे तो नहीं है। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूं, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका अलग अलग पार्ट है ना, ऐसे मेरा भी पार्ट अलग है। मैं नॉलेजफुल हूं, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ है लेने लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर है। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। कहे, हाँ जी बाबा। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं।
स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं ना। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसे तो कोई नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहां ले जाए। स्वीट होम को वो जानते ही नहीं, दुनिया वाले क्या जाने। हम भी तो तब जाने जब परमात्मा बताए। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं ना, जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके, मलम पट्टी कोई कर न सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है, कोई योग बल से विकर्मा जीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है, ये सब ड्रामा में नोंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पदम आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है, ये है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मनमना भव मध्याजी भव, कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का, फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो ना, नरक खारी चैनल से पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। ये बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है। हम एक्टर है, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे, कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है, देहभान में आ गया ना। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं। कोई को फिर टाइम लगता है क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती रहती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी, उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा ना। तुमको तो वहां बैरिस्ट्री इंजीनियर आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े ना। वहां स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा, फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है ना, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी है, प्रजा की भी बड़ी जमींदारी रहेगी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बंबई में कितने मनुष्य है, फिर बंबई होगी नहीं, कराची होगी नहीं,
सब मीठे पानी पर होंगे, खारे पानी पे कोई नहीं रहेगा। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी, मजाल है कोई नदी उथल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो, पा रहे हैं ना हम सभी प्रकृति पर विजय योगबल से? कहे हाँ जी बाबा। पांच तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्तागी अर्थात चंचलता नहीं करेंगे, सत्युग में गुस्ताखी नहीं करते। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर ये चांस नहीं, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़ कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे, भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है, तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। जो गरीब है एक पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, दिव्य दृष्टिदाता आकर तुमको पढ़ाते हैं। नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े? इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वो कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। एक सेकेंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो, इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौधा भक्ति करते कि बाद, हाँ भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते बहुत नौधा भक्ति करने के बाद ही उनको साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, ये चाबी बाबा ने किसी को नहीं दी, कोई को मैं देता भी नहीं। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य है, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब बर्थ नोटे पहनी है। सब का धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए। चोर भी बहुत लूटते हैं ना। हर एक अपने हमजींस को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं, 84 जन्मों का अब पार्ट पूरा किया, कितने करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सत्युग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल के रूप में मंदिर यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सत्युग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे, मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क है, जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है, यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहां के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर।
तो श्रीमत पर चलना पड़े ना। श्रीमत पर चलेंगे तभी तो राजधानी स्थापन होगी, पवित्र भी बनना पड़े, उसके बिना तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे ज्ञान में नवीनता ही पवित्रता की है। मुश्किल तो कोई बात नहीं है, एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहां सच्ची बादशाही थी, अभी ये है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, कलयुग में झूठ खंड है ना। कह देते हैं फलाना ज्योति जोत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं, वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाय जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। ये भी वंडर है, याद करते परंतु जानते नहीं, मानते हैं परंतु पहचान नहीं। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर ये प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वो तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है, कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट का भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। ये भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए। तो बाप को याद करना है ना, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है, गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज क्या धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। आज का मीठा वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विश्लेषण, चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है।
मेरा कुछ नहीं है, जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, आई एम डबल लाइट एंजल। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। कितना अच्छा हार पहना दिया बाबा ने, बाप के ऊपर बलिहार जाओ, ये हार पहन लिया तो कभी माया से हार ही नहीं होगी। सहज है ना, कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर 9:45, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45। ओम शांति।